कुछ साल पहले पेंडेमिक क्या होता है ये लोगों को ज़्यादातर मालूम नहीं था। ये सारी चीज़ें बस फिल्मों में एग्जिस्ट करते थे, लेकिन COVID-19 आने के बाद सब कुछ बदल गया। लोगों को पहली बार पता चला कि लॉकडाउन और क्वारंटाइन क्या चीज़ होती है, और हमें एहसास कराया कि असली दुनिया में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्वागत है आप सभी का स्टेक ऑफ मूवीज़ में। आज मैं आप सभी के लिए COVID-19 की तरह ही कुछ पेंडेमिक मूवी लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। दसवें नंबर पे है ज़ॉम्बीलैंड। ये मूवी 2009 में आया था। जैसे कि नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये एक ज़ॉम्बी मूवी है। इस मूवी में एक डरपोक आदमी के बारे में बताया गया है जो बाकी तीन लोगों की मदद से उस पेंडेमिक से बचने की कोशिश करता है। नौ नंबर पे है इट कम्स एट नाइट। ये मूवी 2017 में आया था। इस मूवी में आपको एक गजब का लॉकडाउन जैसे सिचुएशन देखने को मिलेगा। दुनिया में एक खतरनाक महामारी फैल रही थी जिसकी वजह से लोग तड़प तड़प के मर रहे थे। इस मूवी में दो फैमिली के बारे में दिखाया गया है जो उस महामारी से बचने के लिए एक जंगल में रह रहे थे। आठवें नंबर पे आता है 10 क्लोवरफील्ड लेन। ये मूवी 2016 का है। वैसे तो ये मूवी कोई पेंडेमिक के बारे में नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको एक क्वारंटाइन जैसा सिचुएशन देखने को मिलेगा। इस मूवी में पृथ्वी में कुछ एलियंस का अटैक हो जाता है, इसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं। उससे बचने के लिए तीन लोग एक बंकर के अंदर छुप जाते हैं। सातवें नंबर पे है हियर एलोन। ये मूवी 2016 में आया था। इस मूवी में एक एपिडेमिक सिचुएशन के बारे में दिखाया गया है। दुनिया में एक बीमारी फैल रही थी और उसके वजह से लोग बहुत ही खूंखार बन रहे थे। इस मूवी में मेनली एना नाम की एक लड़की के बारे में दिखाया गया है जो अपने फैमिली को खोने के बाद अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी। छठे नंबर पे है वायरल। यह मूवी भी 2016 में आया था। इस मूवी में वर्म फ्लू नाम के एक बीमारी के बारे में दिखाया गया है जिसके वजह से लोगों की भूख बढ़ जाती थी और बाद में ये लोग पागल हो जाते थे। इस मूवी में दो बहनों के बारे में दिखाया गया है जो उस महामारी से बचने की जी जान कोशिश कर रही होती हैं। पांचवें नंबर पे है कैरियर्स। ये मूवी 2009 में आया था। दुनिया में एक जानलेवा वायरस तेजी से फैल रही थी। उससे बचने के लिए चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। उस पेंडेमिक से बचने के लिए ऐसे ही चार लोग एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकले हुए थे, लेकिन इस सफर के दौरान उनकी एक दोस्त भी इस बीमारी के चपेट में आ जाती है और उनका ग्रुप भी खतरे में पड़ जाता है। चौथे नंबर पे है वर्ल्ड वार जेड। ये मूवी 2013 में आया था। ये मूवी भी ज़ॉम्बीज के बारे में है। कुछ ज़ॉम्बी अचानक से एक शहर में अटैक करते हैं और ऐसे ही कई सारे लोग एक एक करके ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इस मूवी में एक एक्स यूएन मेंबर के बारे में दिखाया गया है जो उस वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए कई सारे देशों में जाके उस केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। तीसरे नंबर पे है फ्लू। ये मूवी 2013 में आया था। वैसे तो ये एक साउथ कोरियन मूवी है, लेकिन इसमें और COVID-19 में आपको कई सारे सिमिलरिटी देखने को मिल जाएंगे। कोविड के शुरुआती दौर में वुहान में जो सिचुएशन बना था वो सारी चीज़ें इसी मूवी में भी दिखाई गई है, तो इस मूवी को आप ज़रूर देखिए। दूसरे नंबर पे है ब्लाइंडनेस। यह मूवी 2008 में आया था। इस मूवी में एक ऐसी बीमारी के बारे में दिखाया गया है जिसके वजह से लोगों की आंखों की रोशनी चली जा रही थी। यह बीमारी इतनी तेजी से फैलता है कि सरकारों को इन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजना पड़ता है, लेकिन इस मूवी में एक औरत होती है जिसके अंदर इस बीमारी की इम्यूनिटी मौजूद होती है। इसके वजह से यह लोगों को कंसंट्रेशन कैंप से निकालने की कोशिश करती है।
are spreading. Boston, Philadelphia, Maryland. That's all over the country. She says everyone's dead outside. Dead? Bill! Bill! You're gonna love it. It's just peace and relaxation. She's sick. अभी पहले नंबर पे है कंटेजन। ये मूवी 2011 में आया था। बीमारी से मौत हो जाती है, फिर बाद में डॉक्टर्स को एक नई बीमारी के बारे में पता चलता है जो दुनिया में तेजी से फैल रहा है, फिर बाद में पूरी दुनिया इसके चपेट में आ जाता है। किसी महामारी को कैसे एनालिसिस किया जाता है, इस मूवी में उसके बारे में डिटेल तरीके से दिखाया गया है।